हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम आपको बनाकर दिखा रहे हैं ये पानी पूरी का स्टफिंग। ये मसाला है, ये काफ़ी टेस्टी होता है। पानी पूरी इसके बगैर पूरा नहीं होता है, स्टफिंग रहता है तो ही खाने में ये टेस्टी लगता है। तो इसे हमने कैसे बनाया है और इसके लिए किन किन इन्ग्रीडियंट का यूज किया है, सारे इन्ग्रीडियंट हम आपको बनाते हुए दिखाएंगे। तो चलते हैं इसे बनाने। इसमें धनिया और मिंट दोनों है, जिसे पुदीना कहते हैं। धनिया जितना है उससे आधा हमने मिंट को डाला है और दोनों को अच्छी तरीके से हम धो लेते हैं। और धोने के बाद ये दोनों पत्तों को हमने काट कर धो लिया है। और ये चार हरी मिर्च है और थोड़ा सा अदरक है। इसे भी हम मिर्च को भी थोड़ा सा काट लेंगे, लेकिन पूरे छोटे छोटे टुकड़ों में नहीं। और इसे हम ग्राइंडर में पीसेंगे। इसे हमने ग्राइंडर में डाल दिया है, ये ग्राइंड हो चुका है। अब हम इसे प्लेट में निकालेंगे, जिस बर्तन में हमें पानी मिलाकर पानी पूरी का पानी बनाना है उसमें मिलाएंगे। और बाकी का सामग्री भी उसके साथ हम ऐड करेंगे। आप चाहें तो सारी सामग्री को मिक्सी में एक साथ डाल करके भी ग्राइंड कर सकते हैं, लेकिन हम इसे पहले चटनी की तरह पीस लिए हैं और उसके बाद हम इसे निकाल लेंगे। फ्रेंड्स, ये काबुली चना को हमने भिगो कर रखा है, ये काफ़ी घंटा से भिगोया हुआ है, ये फूल गया है। अब हम इसे उबालेंगे। इसे हमने धो लिया है, सिर्फ हमें इसे उबालना है। इसे हम लगातार 8 सीटी लगाएंगे। अच्छे तरीके से उबल गया है, लगातार हमने 8 सीटी लगा दिया है। अब हम इसे निकालते हैं और ये हमारा जो आलू है उसे उबालेंगे। आलू को लगातार हम 5 सीटी लगाएंगे। पानी पूरी की स्टफिंग के लिए ये हमारा आलू उबल गया है। अब हम इसे कलछुल की सहायता से मसल लेंगे, क्योंकि ये काफ़ी गर्म है तो हम इसे कलछुल की सहायता से इसे मसल लेते हैं, नहीं तो बाद में ये चिपचिपा हो जाता है। ये हमने कलछुल की सहायता से इसे मसल लिया है। अब हम उबले हुए काबली को इसमें हम डाल रहे हैं। काबली को भी हल्का सा हमने मसल दिया था उसी समय, नहीं तो ये मसलाता नहीं है। और बाकी काबली को हमने इसी तरह से छोड़ दिया था, तो हमने पूरी को इसमें मिला दिया है। अब हम इसमें बाकी का सामग्री ऐड करेंगे। अब हम इसमें जो हरा चटनी हमने पिसा है उसे डालेंगे, 1 टेबल स्पून। हमने इसमें 1 टेबल स्पून वो हरा सा चटनी जो हमने बनाया था वो डाल दिया है। इसमें अदरक, मिर्च और हरा धनिया है और पुदीना है, सबको हमने डाला था। अब हम इसमें डालेंगे लाल वाली चटनी, 1/2 टी स्पून, 1/2 टेबल स्पून ये हमने डाल दिया है, 1/2 टेबल स्पून। अब हम इसमें इमली की जो पल है वो डालेंगे, 1 टेबल स्पून। इमली का पल भी हमने इसमें डाल दिया है। अब हम इसमें डालेंगे काला नमक, 1 टी स्पून, या फिर आप टेस्ट के अकॉर्डिंग डालिए। काला नमक भी हमने ऐड कर दिया है। अब हम इसमें डालेंगे भुना हुआ जीरा हम 1 टी स्पून डालेंगे। हमने 1 टी स्पून भुना हुआ जीरा डाला है, ये दरदरा कूटा है इसलिए थोड़ा सा मोटा दिख रहा है। अब हम इसमें डालेंगे भुना हुआ लाल मिर्च का पाउडर हम 1/2 टी स्पून डालेंगे, क्योंकि इसमें मिर्च, हरा मिर्च डाला हुआ है तो तीखा ना हो जाए। इसकी वजह से अगर आप तीखा ज़्यादा खाना चाहते हैं तो आप पहले सबको मिक्स मिला लें और उसके बाद टेस्ट के बाद आप तीखा डालें, पहले से ही तीखा नहीं डालिए। हमने इसमें 1/2 टी स्पून डाल दिया है। अब हम इसमें डालेंगे वाइट वाला नमक, जो हमारा रेगुलर नमक है, वो भी हमने डाल दिया है। अब हम सभी को मिला लेंगे। फ्रेंड्स, आपने देखा कि पानी पूरी का ये जो हमारा स्टफिंग है मसाला, उसे बनाना कितना आसान था और कितना इजीली ये झट से बनकर तैयार हो गया है। तो फ्रेंड्स, आप हमें कमेंट करके बताइए कि आपको ये हमारा वीडियो कैसा लगा। अपने फ्रेंड्स में भी इस वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिए, मेरे वीडियो को लाइक कीजिए। और वीडियो देखने के लिए आपका थैंक्स।